तमिलनाडु के प्रदीप का हुआ था यूपीएससी में चयन। महेंद्रगढ़ के प्रदीप ने अपना बता करवाया सम्मान, सोशल मीडिया पर डाले सम्मान समारोह के फोटो से पकड़ा गया आरोपी। जी हां साथियों, महेंद्रगढ़ के गांव खातोदड़ा के प्रदीप कुमार का झूठी वाहवाही लूटने पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और उसे बेल पर छोड़ दिया गया। इन्होंने बिना किसी कारण से अपना नाम यूपीएससी का बता कर कि मैंने यूपीएससी क्लियर किया है, सभी लोगों से वाहवाही लूटी और सम्मान करवाया, लेकिन अब असली व्यक्ति सामने आया है और एफआईआर दर्ज हुई है। सुनिए क्या कहा। सर क्या कुछ मामला है? ऐसा है, हमें सूचना मिली थी कि प्रदीप कुमार यादव जो है खातोदड़ा से हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करने का जो बता रहे हैं कि यूपीएससी में उन्होंने 343 रैंक हासिल किया है। हमें सूचना मिली कि ये वो प्रदीप कुमार यादव नहीं है, वो प्रदीप कुमार यादव नहीं है, वो प्रदीप के है जो तमिलनाडु से है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसके अनुसार हमने कार्रवाई की और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो हमें पता चला कि ये वास्तव में ये जो प्रदीप कुमार यादव है खातोदड़ा से, ये अपीयर हुआ था लेकिन पास नहीं हुआ। इसने उसके नाम की वाहवाही अपने आप पे लूट ली कि मैं 343 रैंक हासिल करके मैंने और मैं यूपीएससी क्लियर किया, जिस पे हमने एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट कर लिया था। सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज की, दर्ज करने के बाद उसको अरेस्ट किया, बाद में वो पुलिस बेल लेके उसको छोड़ दिया, पर्चा उसका दर्ज कर लिया हमने।